नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट डोरंडा कोषागार मामले में राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की दी गई जमानत को रद्द करने के अनुरोध संबंधी सीबीआई की याचिका पर सुनवाई करने के लिए शुक्रवार को सहमत हुई। जनता दल यूनाइटेड ने राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष लालू यादव का आज फिर बचाव किया। लालू यादव के खिलाफ सीबीआई द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में उनकी जमानत याचिका रद्द कराने की याचिका पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने कहा कि कोर्ट इस मामले को देखेगा, लेकिन उन्हें जानबूझकर तंग पालतू तोते के माध्यम से किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट डोरंडा कोषागार मामले में राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव को दी गई जमानत को रद्द करने के अनुरोध संबंधी सीबीआई की याचिका पर सुनवाई करने के लिए शुक्रवार को सहमत हो गया। प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति ए बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू की दलीलों को गौर किया। राजू ने तत्काल सुनवाई का अनुरोध करते हुए मामले का उल्लेख किया था। चारा घोटाला के तहत डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ रुपए से अधिक के गबन मामले में दोषी करार दिए गए लालू प्रसाद यादव को रांची में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की विशेष अदालत ने पिछले साल 21 फरवरी को 5 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई थी और 60 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई 25 अगस्त को निर्धारित की है। उच्च न्यायालय ने 22 अप्रैल 2022 को डोरंडा कोषागार गबन मामले में 75 वर्षीय यादव को जमानत दे दी थी। यादव को रांची में सीबीआई की एक अदालत ने पिछले वर्ष 15 फरवरी को इस मामले में दोषी ठहराया था। घोटाला हुआ उस समय लालू अविभाजित बिहार के मुख्यमंत्री थे और वित्त विभाग भी उनके पास था। यादव को पशुपालन विभाग के जरिए कथित तौर पर रिश्वत मिली थी, फर्जी चालान और बिल विभाग की ओर से मंजूरी दी गई और सरकारी। दोस्तों, इस तरह की इम्पोर्टेंट वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब न भूलें। धन्यवाद।